electronegativity. So we define it in a way like it is the tendency of an atom to attract the shared pair of electron. Tendency of an atom to attract the shared pair of electron. Shared pair of electron towards itself from a covalent bond. यानी किसी भी given covalent bond से अपनी तरफ एटम को पुल करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. सो प्लीज नोट इट डाउन, इसको नोट करना. टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ. रिमेंबर, यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट थिंग इज ये केवल एटम के लिए डिफाइन नहीं है, ये ऑल्सो ये डिफाइन ग्रुप्स के लिए भी होता है. एटम के लिए तो डिफाइन है ही, इट इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर ग्रुप्स. एटम तो एटम है, ग्रुप्स के लिए भी डिफाइंड होता है. दिस इज एन आर्बिट्ररी स्केल है, यानी अपने मन से हमने कुछ एक रिलेटिव स्केल बना रखा है और उसी के हिसाब से हम लोगों ने फिर बाकी को रेटिंग हमने कर रखी है. तो इसमें देखा ये गया है कि फ्लोरीन को हाईएस्ट रेटिंग दी गई थी. इट इज फ्लोरीन व्हिच हैज बीन गिवन हाईएस्ट रेटिंग, एंड देयरफॉर जो ओवरऑल हमारे पास ये ऑर्डर, फिर उसके बाद जो ऑर्डर दिखाई देता है, फ्लोरीन है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आ जाता है, फिर उसके बाद क्लोरीन और नाइट्रोजन करीब करीब बराबर है. कहीं कहीं पर थोड़ा सा यदि हम देखें स्केल को चेंज करके देखते हैं तो क्लोरीन का थोड़ा सा ज्यादा होता है, एंड देन इट इज नाइट्रोजन. तो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है. सो दिस इज द ऑर्डर दैट वी नीड टू रिमेंबर. सेकेंड थिंग व्हाट वी कैन से ऑल्सो इज दैट कि इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्या है, लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे. मान लो हमारे पास सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स हमने लिया है, तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे उसमें, लिथियम है, देन बेरिलियम है, देन बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, देन नियॉन. सो व्हाट वी फाइंड कि लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, जबकि डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. एंड देयरफॉर दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज एंड लेफ्ट टू एंड डाउन द ग्रुप इट विल डिक्रीज. And therefore the order is like this. यदि मैं इसमें मैंने जैसे कहा कि ग्रुप की हमने बात की है, तो ग्रुप में क्या हो जाएगा, ग्रुप में क्या सब है हमारे पास, पहला है फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन और आयोडीन. तो टॉप में हमारे पास फ्लोरीन है और बॉटम में बिल्कुल आयोडीन है. तो आयोडीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम, देन इट इज ब्रोमीन, देन इट इज क्लोरीन, देन फ्लोरीन. सिमिलरली यदि मैं 16th ग्रुप की बात करूं, 16th ग्रुप की, सो इन दैट केस कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वहां पर, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है. तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है. देयरफॉर सबसे पहले कौन सा आएगा, ऑक्सीजन आएगा, फिर सल्फर आएगा, फिर सिलीनियम आएगा, एंड सो वी कैन से ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम. देन इफ आई लुक एट दिस वन लाइक अमोंग एफ ओ एन एंड सी, दिस ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन आ गया. सो दिस इज एफ ओ एन सी, ये वाला आ गया. सो फ्रॉम दैट वी कैन से, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, सो ये ऑर्डर आपको जरूर याद होना चाहिए. दिस इज एफ ओ एन सी यानी फोन सी, ऐसे याद रख लो आप इसको. तो फोन और सी हो गया यहाँ पर. सो फ्रॉम दैट वी कैन सी यहाँ से, और इसका एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन में क्या होता है कि जहां पर भी जिस किसी भी केमिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है वहां पर हम लोग क्या कहते हैं कि देयर वुड बी पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है. यानी जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव हम लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यदि मैं H2O की बात करूं, तो H2O में क्या हो जाएगा, H है, O है और ये H है. तो
HOH हो गया, सो इन दिस केस ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आएगा, हाइड्रोजन ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन ऊपर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, एंड देयरफॉर क्योंकि इसमें पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, सो वी आर कॉलिंग इट पोलर बॉन्ड बोलते हैं, सो दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड पोलर बॉन्ड। पार्शियल चार्ज का मतलब यहां पर यह है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने नहीं किया है, ओनली थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे एक और एग्जांपल हम समझने की कोशिश करें इसको, जैसे मान लो सोडियम हमने लिया था, तो सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन हम लोग हटा देते हैं तो वो कंप्लीट लॉस होता है, लेकिन यदि पूरा नहीं जाए, थोड़ा सा हमने ये कहा कि थोड़ा शिफ्टिंग हुआ है ओनली, सो वी दिस सिचुएशन इज इमेजिनरी, हम ये इमेजिन करते हैं, और उसके बदले क्या होता है कि जैसे जहां से शिफ्टिंग होगी और जिसके तरफ शिफ्टिंग होगी, जिसके तरफ शिफ्टिंग होगी उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, और जिससे शिफ्टिंग हो रही है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है, एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन वी एक्सप्लेन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। राइट, होप दिस इज क्लियर, यू जस्ट हैव अ लुक एट इट, देखो जरा इसको, कोई डाउट है तो वो पूछो। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन सा है हमारा, वो फ्लोरीन है, एंड दैट इज व्हाई जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बता रखा है इसके बारे में कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है फ्लोरीन का सिर्फ -1 होता है, बिकॉज दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए, एंड सो इट इज एक्वायरिंग 1 नेगेटिव चार्ज, इसलिए नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर बहुत ही कॉमनली दिखाई दे जाता है। एंड नाउ अब इसी चीज को हम लोग आगे और बात करेंगे, सो दिस इज ओवरऑल ऑर्डर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हमें ध्यान रखना है कि लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा क्या होगा, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे लिथियम हमारे पास है लेफ्ट मोस्ट में हो गया, फ्लोरीन राइट मोस्ट में है, और फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल की बात करें यहाँ पर तो क्या होगा कि फ्लोरीन यहाँ पर प्रेजेंट है, फ्लोरीन इज प्रेजेंट एट राइट मोस्ट टॉप कॉर्नर, यहाँ पर फ्लोरीन प्रेजेंट है विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट, और यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा बॉटम में इस जगह पे होगा वो क्या होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सो इन अ पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल की हम बात करें यहाँ पर, सो इन पीरियोडिक टेबल में दिस वन वुड बी ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट एंड दिस इज लीस्ट, that is how we can explain this. Next thing that comes in our discussion is ionization energy. The heading is ionization energy. इसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर. So when I say ionization energy, so here we need to define it again. एक हमें definition यहाँ पर लिखना होगा. And the definition is that, please note this down. Minimum amount of energy. Minimum amount of energy required to eject. Minimum amount of energy required to eject. To eject an electron from the outermost shell of. From the outermost shell of an isolated gaseous atom. From an isolated gaseous atom. So this is minimum amount of energy required to eject an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. So this is called ionization energy. For example, we can take मालूम जैसे sodium ले लिया. Sodium पहले normal state कौन सा होता है? Sodium हमारा sodium solid है. Sodium solid है. पहले इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको अपने जब heat किया, तो पहले ये melt होगा. So this is changing to liquid में change हो गया. जब ये liquid में change हुआ, फिर हमें क्या करना होगा? इसको और heat हमने किया. So it would be changing to sodium gaseous.
तुम्हें कौन सा लेना है, सोडियम गैसियस लेना है। जब सोडियम गैसियस हमने लिया तब उसके बाद जो हम लोग एनर्जी ऐड करेंगे इसमें तब जाकर के इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सो व्हेन एनर्जी इज गिवन टू दिस वन, अब हमने इसमें एनर्जी दिया, तो जैसे हमने इसमें अब एनर्जी दिया अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होता है तो ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। एंड सो फ्रॉम दैट वी कैन से दिस एनर्जी रिक्वायर्ड इज आयनाइजेशन एनर्जी। रिक्वायर्ड का क्या मतलब हो गया, व्हेन आई से एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब हमें ये एनर्जी एड करना पड़ेगा, और एड करना पड़ेगा मतलब क्या हो गया कि एड करने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडो बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एंडो, एंडो मतलब टू एड, एंडो इज टू एड। तो हमने इसमें क्या किया, एड किया है, एंड देयरफॉर वी कैन से दिस इज एंडोथर्मिक। क्या कहलाता है ये, एंडोथर्मिक कहलाता है। एंडोथर्मिक कहने का मतलब है कि हमें हीट देना पड़ेगा, इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होता है, सो हीट इज एब्जॉर्ब इन दिस पर्टिकुलर केस, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। नाउ जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आईई कहलाता है, और इसको शॉर्ट हैंड में आईई वन से डिनोट करते हैं। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, सेकेंड आईई कहलाएगा, एंड इन दैट केस वी विल एड आईई टू, इसको हम लोग आईई टू में एड करेंगे। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, थर्ड आईई, एंड देन वी राइट आईई थ्री लिखेंगे उसके लिए। एंड रिमेम्बर ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सोचो बच्चे इसमें कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज है, अब ये ऑलरेडी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, जब ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आ चुका है उसमें से और आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसका मतलब क्या है कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब एक डाई पॉजिटिव बन गया उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो उसमें बहुत 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 ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एंड देयरफॉर वी कैन से IE3, then this is IE2, then it is IE1, and effectively what we can say, क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग कि IE3 हमारा maximum होगा, then it would be IE2 होगा, फिर उसके बाद IE1 होगा, and this statement is always true for a given atom or ion के लिए हमेशा ये true होता है। So just have a look at it, ध्यान से देखो, कोई doubt है, so you please ask. For example, if I would have taken this one, if I would have taken metal M, metal M is there, एक M हमने metal लिया, इसमें से एक electron मैंने निकाला, so one electron is lost, so it would be generating M plus plus electron बनेगा, right? तो इसमें जो एनर्जी लगा हमारे पास ये E1 है, तो E1 को हम लोग क्या बोलेंगे, IE1 लिखेंगे इसको, ठीक। अब ये M+ बन गया, अब इस M+ से मुझे क्या करना है, यहाँ पर M+ इसमें से फिर और हमने एनर्जी दिया, तो जैसे ही आपने यहाँ पर क्या किया कि इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया एनर्जी दे करके, अब जो यहाँ पर इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये क्या होगा, ये और स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड रहेगा, ऑलरेडी इसके ऊपर एक चार्ज आ चुका है, तो चार्ज जब भी होता है तो सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, उससे बढ़ जाती है। तो दोबारा यदि आप इसमें से और इलेक्ट्रॉन निकालोगे, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को वो जल्दी मतलब निकलने देने की टेंडेंसी इसमें और कम हो जाती है, तो जब एम प्लस टू बनाओगे आप तो इसमें और ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड आई ई टू कहलाता है ये। और जब एम प्लस टू से हमने फर्दर इसमें एम प्लस टू ले लिया, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो M plus 3 बनेगा और ये E आ जाएगा, in that case it would be IE3 हो जाएगा। Already एक पॉजिटिव चार्ज था, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो क्या होगा, और अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होगा यानी और ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, इसमें और बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड देयर फोर द ऑर्डर वुड बी लाइक दिस, दिस इज ऑलवेज ट्रू, IE3 जो है हमारा दिस इज वेरी वेरी लार्जर देन IE2, larger than IE1, यानी पहला इलेक्ट्रॉन जितना भी एनर्जी देनी पड़ी उससे बहुत ज्यादा एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में देना पड़ेगा, और उससे बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में देना पड़ेगा, आयनाइज करने में हमें और इलेक्ट्रॉन में एनर्जी देनी पड़ती है यहाँ पर।
दिस इज क्लियर ना. सो लुकिंग एट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स आयनाइजेशन एनर्जी. यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करेंगे, उसके बारे में हमारी अब आगे की चर्चा है. एंड सो फ्रॉम दैट वी कैन से हियर लाइक सबसे पहला आता है उसमें साइज. साइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी साइज पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंस है. एंड सो वी कैन इमेजिन इट इन दिस वे कि साइज को देख करके हम लोग इजिली बता सकते हैं कि साइज से कैसे इफेक्टेड होगा. सो वी कैन से जितना छोटा साइज होगा, स्मॉलर द साइज उतना ही फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो क्या है हमारा स्ट्रॉन्गर है. एंड सो फ्रॉम दैट वी कैन से स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में. सो वी कैन से साइज स्मॉलर, जितना स्मॉलर साइज उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स. ज्यादा फोर्स है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में. एंड सो वी कैन से स्मॉलर साइज होने से आयनाइज्ड एनर्जी बढ़ जाता है. सेकेंड एज जो हमने पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा सा लाइक सबसेल के बारे में हमने पढ़ा था कि एस पी डी और एफ था. वैसे इसका काफी कम एप्लीकेशन है, ज्यादा इसका ज्यादा यूज हम लोग नहीं करेंगे. सो ओवरऑल इफेक्टिवली ये देखते हैं हम लोग कि एस वाले में फिर पी है और ये डी है और ये एफ है. तो एस वाले का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज होता है, इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगती है. इन कंपेरिजन टू पी, देन इन कंपेरिजन टू डी, इन कंपेरिजन टू एफ. इसको कहते हैं हम लोग पेनेट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड पेनेट्रेशन इफेक्ट. पेनेट्रेशन इफेक्ट कहलाता है. नेक्स्ट वन इज स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो साइज हो गया और दूसरा जो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जब हमने ये कहा स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वहां पर पहला हमारा इसमें यह ध्यान रखना है हमेशा कि हाफ फिल्ड और जो फुल्ली फिल्ड होते हैं उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था. कैन यू रिकॉल हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड के बारे में हमने ये पढ़ा था. स्टेबल होता है. हाँ, ज्यादा स्टेबल होता है. सो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एंड देयरफॉर क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है तो हमें इसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है एंड आयनाइज्ड एनर्जी इसमें क्या होता है बढ़ जाता है. सो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड हैव ऑर्बिटल्स और सबसेल्स आर मोर स्टेबल, देयरफॉर मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन. ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमें उसमें से निकालने में एनर्जी देनी पड़ेगी. एंड सो इफेक्टिवली व्हाट वी कैन सी हियर इन दिस के जो ट्रेंड है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी में वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है लाइक दिस. दिस केस हम ये कहते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं यहाँ पर. सो व्हाट वी कैन सी हियर इन दैट केस जब लाइट हम लोग ये जाएंगे इसमें लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो साइज पर क्या फर्क पड़ता है उस केस में. व्हाट विल हैपन आयनाइज्ड एनर्जी में साइज छोटा होता है इसमें आयनाइज्ड एनर्जी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा. डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है साइज बढ़ रहा है हमारे पास तो आयनाइज्ड एनर्जी क्या हो जाएगा डिक्रीज करेगा. सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी कैन से लेफ्ट टू राइट में लेफ्ट टू राइट है एल टू आर. दिस इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग. डाउन द ग्रुप की बात करेंगे सो डाउन द ग्रुप दिस इज डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग. ये जनरल ट्रेंड यही वाला है. एंड सो वी कैन कोरिलेट विद द अदर. ये साइज था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था और आयनाइजेशन एनर्जी है तो हम लोग कैसे कोरिलेट कर सकते हैं इफेक्टिवली कि आयनाइजेशन एनर्जी जब हम ये देखा साइज हमने क्या देखा था यहाँ पर कि साइज यहाँ से लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो क्या होता है वहां से डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी ठीक से उल्टा है. यानी बाकी सारे ट्रेंड्स जो है वो ठीक उल्टा है उसका. साइज बढ़ेगा बाकी में हमारे पास क्या होता है साइज बढ़ेगा तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी. And so from that we can see here, जब left to right हम move करते हैं तो size हमारा क्या होता है छोटा होता है इसलिए ionization energy क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा. Similarly down the group ऊपर से नीचे जाएंगे size बढ़ेगा तो ionization energy क्या हो जाएगा कम हो जाएगा या घट जाएगा. And so from that we can see here and thus the order would be. Suppose मान लो जैसे हमारे पास एक question है अब यहाँ पर कि हमें इसमें compare करना है ionization energy को. So how can we compare them? आयनाइज्ड एनर्जी में कंपेयर करना है फिर IE ऑफ दीज लाइक लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है. पहले इन चारों में कंपेयर करेंगे
फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन की हम लोग बात करेंगे। सो यू जस्ट ट्राई इट आउट विद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो, साइज के बारे में सोचो, और यदि कुछ आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे उसके बारे में आप थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यदि कुछ एक्स्ट्रा दिखाई देता है तो उस फैक्टर को इंक्लूड करके फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे। फर्स्ट यू जस्ट राइट देयर इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड देन चेक दिस आउट। सो व्हेन आई हैव टू कंपेयर दिस वन लाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन, सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट हियर इज दैट लाइक द मोमेंट आई से लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, तो एक बात तुम्हें बिल्कुल पक्का पता है कि ये सारे के सारे एक पीरियड से बिलोंग करते हैं। चूंकि यह एक पीरियड से बिलोंग करेंगे देयरफॉर इनकी जो साइज होगी हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो साइज हमारा क्या होगा, रेडियस कम होगा, इसका कार्बन का सबसे छोटा होगा, देन बोरोन, देन बेरिलियम, देन लिथियम। बट द पॉइंट इज हमने जैसे अभी बात की थी कि साइज पर डिपेंडेंट तो है ही, स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। सो वी नीड टू थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। यदि मैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, लिथियम का है 1s2, 2s1। सो हियर व्हाट वी कैन सी कि 1s2 तो खैर कंप्लीटली फिल्ड है ही, 2s1 ये पार्शियली फिल्ड है, यानी हाफ फिल्ड है ये वाला, दिस इज हाफ फिल्ड। लुक एट दिस वन, दिस देन इट इज बेरिलियम, बेरिलियम 4, 1s2, 2s2, तो 1s2 और ये 2s2 है, सो वी कैन सी दिस इज योर कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, कंपेरेबल इन दिस सेंस कि यहाँ भी 1s2, 1s2, 2s1, 2s2, 2s1 है और ये 2s2 है, तो ये हाफ फिल्ड से ये फुल्ली फिल्ड है। सो दिस वुड बी मोर स्टेबल, मोर स्टेबल है यानी इसमें से जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी, बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन है और ज्यादा इसका साइज भी छोटा है। सो वी कैन से कि बेरिलियम और लिथियम में से बेरिलियम का ज्यादा हो जाएगा। तो पहला जो हमने यहां से कंफर्म कर लिया वो बेरिलियम हैज मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन लिथियम, ये ए पार्ट आ गया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, लेट्स मूव टू दिस बोरोन एंड देन इट इज कार्बन। सो व्हेन आई टेक बोरोन तो 1s2, 2s2, 2p1 है। सो व्हेन यू टेक दिस 1s2, 2s2, 2p1, इन दिस केस ये भी सेकेंड सेल में ही है, लेकिन यहां पर क्या है, 1s2 है, 2s2 है और ये 2p1 है, और यहाँ पर क्या है, 2p2 है। तो देखो ना तो ये पार्शियली फिल्ड है और ना ही फुल्ली फिल्ड है। सो व्हेन आई लुक एट दिस, सो व्हाट वी फाइंड कि इन दिस केस 1s2, 2s2 हो गया 2p1 एंड 2p2, तो ना तो ये पार्शियली फिल्ड है और ना ही ये फुल्ली फिल्ड है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो साइज तो खैर हम ये कह सकते हैं कि छोटा होगा, लेकिन इसमें जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, सो इन दैट केस वी कैन सी हियर इसमें ना कोई भी इसमें ऐसा रूल नहीं है, ना तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड वाला कुछ भी केस है ही नहीं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन, इट्स ऑर्डर 2p1 एंड 2p2, तो किसका ज्यादा हो जाएगा यहाँ से। सो ऐसा कोई फैक्टर है ही नहीं, तो सिर्फ हमें साइज पर बेस्ड हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो बोरोन और कार्बन में किसका ज्यादा हो जाएगा, ऑटो बोरोन एंड कार्बन यदि हम कंपेयर करके देखें यहाँ पर, सो दिस बोरोन एंड कार्बन को जब हम कंपेयर करते हैं, सो फ्रॉम दैट वी कैन सी आउट ऑफ दीज टू कार्बन वुड हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन बोरोन। कार्बन का हमारे पास बी जो होगा वहां से हम ये निकाल सकते हैं कार्बन का हमारे पास क्या हो जाएगा, बोरोन से ज्यादा हो जाएगा, कार्बन वुड हैव मोर देन बोरोन, ये ऑर्डर आ गया हमारे पास। सो फ्रॉम दैट वी कैन सी हियर, तो ये वाला कार्बन हो गया और ये फिर हमारे पास ये बोरोन है। सो इफेक्टिवली यदि हम सबको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो ऑर्डर आ जाता है वो कुछ इस तरह का आता है, यहाँ पर सबको यदि हमने मिला दिया तो सब कुछ मिलाने से, अब देखो यहाँ पर ये वाला क्या हो गया कि ये वाला जो सेल है जो 4BE का वाला है हमारे पास, इसमें 2s2 जो कि कम्प्लीटली फिल्ड है ये वाला, तो इसका कुछ ज्यादा ही मतलब बड़ा होता है। सो इफेक्टिवली जो ऑर्डर आ जाता है वो आता है हमारे पास ये वाला कार्बन, देन बेरिलियम, then boron, then it is lithium. So this is the order, lithium, boron, beryllium, carbon, ये हमारे पास order आ गया. So lithium है पहले, सबसे पहले lithium का सबसे minimum, then this is boron, then beryllium, then this is carbon. ये थोड़ा सा
यहाँ पर अटपटा सा इसलिए लगेगा आपको, यहाँ पर थोड़ा इस बात को ऑर्डर को में याद रखना है बढ़िया से। लिथियम देन बोरोन है, फिर बेरिलियम है, फिर कार्बन है, ठीक। एंड सो हियर वी जस्ट नीड टू रिमेम्बर दैट, ये हमें बढ़िया से याद होना और हमें याद रखना है इसको। देन नेक्स्ट वन इज, अब यदि मैं बात करूं यहाँ पर कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, तो इन तीनों में क्या हो जाएगा, देखो जब ध्यान से देखो, अब कंपेयर करके देखो, आउट ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन हाउ कैन वी कंपेयर देम, हाउ कैन वी कंपेयर देम, लेट अस कंपेयर देम। सो अमोंग अमोंग ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन एंड नियॉन व्हाट वी ऑब्जर्व इज, जब आप इसको चेक करते हो तो यहाँ से जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, पहले कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करें हम लोग, तो कॉन्फ़िगरेशन इज नाइट्रोजन में है 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3, दैट मींस व्हाट, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि दिस इज योर हाफ फील्ड है, ये वाला हाफ फील्ड, और 1s2 2s2 2p4 तो 2p4 इज व्हाट, नीदर हाफ फील्ड नॉर फुल फील्ड, नीदर हाफ नॉर फुल फुली फील्ड, neither half nor fully filled. Therefore, we can say out of this one nitrogen or oxygen mein kya ho jayega? Nitrogen would have more than oxygen. Isliye nitrogen ka oxygen se jyada ho jayega. And then rest jo hamare paas neon hai. Neon mein kya hoga? Neon is 10. Jab neon 10 hai, to 10 uska already fully filled hai configuration. So when you write for neon, so you can have write it like this. Neon is something like this one. Neon hai 1s2, 2s2, 2p6. ये पूरा पूरा भरा हुआ है, तो ये already क्या होगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा इसका. तो neon has maximum, then this is fluorine, then nitrogen, then oxygen. And so the order is like this: O, then N, then F, then Ne. तो यहाँ पर ये वाला फिर से क्या हो गया? O और N में गड़बड़ है यहाँ पर. जैसे हमारे पास lithium और beryllium की हम लोग बात कर रहे थे, वहाँ पर गड़बड़ हुआ था. वैसे यहाँ पर भी नॉर्मल ट्रेंड से थोड़ा सा डिफरेंट है. सो यू जस्ट नीड टू मार्क दीज टू, बेरिलियम लिथियम, और जो हमने यहाँ पर भी बात की नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इन दोनों का आप अलग से मार्क करके ध्यान रखना है, एंड देन वी कैन प्रेडिक्ट. अब देखो यहाँ से इसी को सबको हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर एक ही टेबल में हमने इसको ये कर दिया है. जस्ट हैव अ लुक एट दिस, इस वाले ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखें. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस कुछ बेटर वे. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. मैं इस ग्राफ को देखूं यहाँ पर, ग्राफ इज सेइंग व्हाट, ये हमने ये ग्राफ प्लॉट कर रखा है, एंड दिस ग्राफ इज सेइंग व्हाट, ये ग्राफ में ये कह रहा है यहाँ से कि जो भी हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है उसको हमने यहाँ पर ये प्लॉट कर रखा है. सो हियर इट इज एटॉमिक नंबर, यानी हमने एक्स एक्सिस पे एटॉमिक नंबर को लिखा हुआ है. एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है? एटॉमिक नंबर है. सो हियर दिस वन इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है, और वाई एक्सिस पे है आयनाइजेशन एनर्जी, यानी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा नीचे से ऊपर हम जा रहे हैं वो है, तो वो हमने यहाँ पे ये प्लॉट कर रखा है, हमें इसको देखना है. तो जब इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि सबसे पहले मिनिमम कौन सा, हम लोग यहाँ सेकेंड पीरियड की बात करें तो सबसे कम किसका आ गया? लिथियम का सबसे कम है. फिर उसके बाद किसका आता है? लिथियम के बाद आता है यहाँ पे देखो बेरिलियम हो गया, बेरिलियम ज्यादा हो गया, बेरिलियम, और फिर बोरोन. देखो बोरोन कहाँ है? नीचे. हाँ, बोरोन बेरिलियम से नीचे है, मतलब क्या हो गया इसका कि बोरोन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बेरिलियम से कम है, लेकिन लिथियम से ज्यादा. सो लिथियम, देन वी कैन से बेरिलियम, बोरोन है, फिर उसे बेरिलियम, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, और फिर देखो ऑक्सीजन. तो यहाँ पर फिर से एक बार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में वो ऑर्डर में चेंज आ रहा है. नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन हो गया, देन फ्लोरीन है, देन नियॉन है. So we just need to remember them in the order जो हमारे पास है, उस order को हमें बढ़िया से याद रखना है. And so the order is what? Order क्या है हमारा? So this is what we have written, हमने पढ़ा है अभी. So हमने क्या देखा था order में? जो order of ionization enthalpy था, वो कुछ इस तरह का order हमारे पास आ गया था. Like यदि देखें यहाँ से तो क्या होगा? Neon का maximum, उसके बाद फिर fluorine है, उसके बाद कौन सा है? नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन हो गया, फिर कार्बन है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरोन है, फिर लिथियम है. सो यू मस्ट रिमेम्बर दैट दिस ऑर्डर, यानी हमेशा जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी ऑर्डर में ही आएगा. एंड सो वी कैन राइट हियर
लिथियम, देन इट इज बोरोन, देन बेरिलियम, कार्बन, फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन एंड देयर इज ऑक्सीजन. एक ऑक्सीजन आना चाहिए था यहाँ पर, सो नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी हमारे पास होना चाहिए. सो वी कैन राइट इट इन दिस वे, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग. सो ओवरऑल ऑर्डर इज, जस्ट नोट कर लेना इसको, सबसे पहले नियॉन, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन. नियॉन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन बेरिलियम, देन बोरोन, देन लिथियम. राइट, so when we have to compare second e of oxygen and nitrogen, as we have to compare second ie, any second ionization energy of oxygen and nitrogen. So first of all what we just need to do is, yahan par main karna ye hoga, sabse pehla wo ye hai yahan par ki I just need to write their electronic configuration. So solution step 1 is write its electronic configuration. Electronic configuration. So when I write for this one, oxygen के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? For oxygen this is 1s2, 2s2. Then we have what? This is 2p2. तो 2s2, 2p2 है, मतलब ये वाला ऐसे आ गया यहाँ से 1s2, ये दो इलेक्ट्रॉन, then this is 2s2, ये दो इलेक्ट्रॉन, और 2p2 में भी हमारे पास ये दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक, when I say first IE, so first IE would have what? इस केस में क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक माइनस वन इलेक्ट्रॉन, सो वी आर लेफ्ट विद 2p1. यानी यहां से ये वाला बन गया हमारे पास ऐसा, लाइक दिस. Then we have this one, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, तो ये एक रह गया यहाँ पर. Then if I have to find out second में, तो second IE की बात करें, second IE. So for that what we have now it is 2p4 था ना ये? Yes sir. 2p4. 2p4, तो यहाँ से ये एक इधर और ये एक इधर, एक और आ जाएगा यहाँ पर, तो 2p4, right? So just get this connected. So we have 1s2, 2s2, 2p4. तो यहाँ पर ये 2p4 में से फिर 2p3 रह जाएगा यहाँ पर. So we are left with 2p3. So 1, 2 and 3 है यहाँ पर, ये आ गया. ठीक, now अभी ये कुछ भी नहीं था, half filled, full filled कुछ भी नहीं था. Now this is half filled. ये हमारा हाफ फिल्ड हो गया. यानी अब हमें जब सेकेंड आई निकालेंगे तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, माइनस वन इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा. यानी हाफ फिल्ड से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है सेकेंड आई के लिए. इलेक्ट्रॉन टू बी इजेक्टेड, टू बी इजेक्टेड फ्रॉम हाफ फिल्ड सबसेल. अब इसमें यही चीज मैं नाइट्रोजन के लिए लिखूं तो क्या सब होगा? What will happen if I write the same thing for nitrogen? What will happen in that case? So for nitrogen, if I write for nitrogen, what we can say 1s2, 2s2, 2p3. So this is what? First IE, मतलब यहां से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालना है. One electron to be ejected from this one, 2p2 बनेगा. यानी 1s2, 2s2, 2p2 means this one. एक दो तीन, एक दो और ये तीसरा यहाँ पर है, इसमें दो, इसमें दो. तो अभी ये कैसा है? ये वाला this is itself is half filled है. So do you find some clue in this? इसे कुछ clue मिल रहा है यहाँ से? So the clue is what? कि this is, since this is half filled है ये वाला, तो half filled में से electron निकालना क्या होता है? ज्यादा energy लगती है than the neither half filled nor full filled. तो यदि मैं फर्स्ट आईई की बात करूं नाइट्रोजन ऑक्सीजन की, देयरफॉर वी कैन से फॉर फर्स्ट आईई नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन, बिकॉज अभी ये हाफ फिल्ड है नाइट्रोजन वाला. लेकिन जब सेकेंड आईई की बात करते हैं तो सेकेंड आईई में क्या हो जाएगा?
सेकेंड आई में तो यहाँ से ये 2p2 बन गया, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, -1 इलेक्ट्रॉन, तो अब ये क्या है 2p2 जब बनेगा तब क्या हो जाएगा, ना तो हाफ फिल्ड है और ना ही फुली फिल्ड है, यानी इसमें कोई स्पेशल सी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या था हाफ फिल्ड बन गया था, इसमें स्पेशल कॉन्फिगरेशन आ गया, यानी स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, सो इट विल हैव मोर एनर्जी इज नीडेड फॉर दिस वन हाफ फिल्ड के लिए, सो वी कैन से सेकेंड आई ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन नाइट्रोजन, सेकेंड आई ऑक्सीजन के लिए नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाएगा, सो दिस इज व्हाट एंड हाउ वी एक्सप्लेन दिस वन. I'm just writing here. One more question like this. Suppose if I have to ask or I have to compare beryllium and boron. दोनों का हमें compare करना है, beryllium का और boron का. First and second IE. Compare. Question is there. Compare first and second IE of. Compare first and second IE. Of beryllium and boron. Now try this out. So when I say this is again beryllium and boron की हम लोग बात कर रहे हैं कि so this beryllium has beryllium 1s2 beryllium 4 है 1s2 2s2 ये अभी क्या है ये completely filled है ठीक फर्स्ट आई में बात करें यहाँ पे ये कम्प्लीटली फिल्ड फर्स्ट आई के लिए क्या होगा फर्स्ट आई के लिए कम्प्लीटली फिल्ड है फर्स्ट आई कम्प्लीटली फिल्ड ठीक जबकि बोरोन में क्या है बोरोन 5 1s2 2s2 2p1 ये वाला क्या है नीदर कम्प्लीटली फिल्ड नॉर पार्शियली फिल्ड देयरफॉर वी कैन से फर्स्ट आई ऑफ बोरोन इज लेस देन बेरिलियम सो फर्स्ट आई की बात करेंगे हम लोग तो हमारे पास ही आएगा बेरिलियम का ज्यादा है बोरोन से अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा दिस वुड बी 1s2 2s1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2 2s2 ये कम्प्लीटली फील्ड है ना ये वाला तो कम्प्लीटली फील्ड हो गया तो फिर क्या हो जाएगा इसका ज्यादा हो जाएगा सो वी कैन से फॉर सेकेंड आई वी कैन राइट बोरोन वुड हैव मोर देन बेरिलियम सो हियर वी नीड टू रिमेंबर दिस वन ये दो इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था नाइट्रोजन ऑक्सीजन का फर्स्ट और सेकेंड आई को कंपेयर करने के लिए तो फर्स्ट में तो नाइट्रोजन का ज्यादा था ऑक्सीजन से और सेकेंड वाला आई ऑक्सीजन का ज्यादा हो गया नाइट्रोजन से ड्यू टू कंप्लीट इसमें partially filled subcells के कारण से same thing applies to beryllium and boron as well beryllium और boron में beryllium का first जो है वो ज्यादा है जब second की बात करते हैं due to fill configuration beryllium का हमारा boron का ज्यादा हो जाता है so that is how we explain this particular example ये दो example है बहुत ही important है ये आपको जरूर याद होना चाहिए